सो है गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को एक न्यू यूनिक्यू लूट के बारे में बताऊंगा, जिस लूट के तहत आप लोग को हर एक नंबर पर 10 से 15 रुपीस के आसपास प्रॉफिट हो जाएगा हर एक नंबर पर। तो इस वीडियो में फर्स्ट टाइम तक बने रहिए, मैं आप लोगों को सारी चीजें वीडियो के अंदर कवर करूंगा। बिना टाइम से शुरू लेता हूँ आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। गाइस, सबसे पहले इस यूनिक्यू लूट को लूटने के लिए आप लोग को मेरा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना जरूरी है। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को एक लिंक मिल जाएगा, तो जस्ट आप इस लिंक पर क्लिक कर देना। लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे देन आप लोग को सामने एक बैनर देखने को मिलेगा, जैसे ही गाइस आप देख सकते हो। तो इसी बैनर पर आप लोग को एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को प्ले नाउ पर क्लिक करना है। अब जैसे ही प्ले नाउ पर क्लिक करोगे देन आप लोग को सामने तीन कार्ड्स देखने को मिलेगा, तो हर एक कार्ड पर आप लोग को टच करना है। जैसे आप टच करोगे उसके बाद आप लोग को सामने इसमें दिखाई देगा कि योर ईपीएफ 15 यानी 15 रुपीज आपको कैशबैक मिलेगा। आप इसमें मोबाइल नंबर पुट करोगे तो ओटीपी वगैरह आएगा, तो आपको इंस्टेंट 15 रुपीज कैशबैक मिल जाएगा। हाँ गई सब, इसी प्रकार में हर एक नंबर पर 10 से 15 रुपीज करके लूट सकते हो, लेकिन वीडियो को फर्स्ट टू एंड तक वॉच करो, उसके बाद जाके अप्लाई करो। ठीक, तो देखो इसमें आप लोग को ईपीएफ 15 दिखाई दे रहा है, तो अब हर बार ट्राई करना, ठीक है, रिफ्रेश करते जाना, तो आप लोग को इसमें 25 दिखाई देगा। ठीक है, मैं आप लोग को सामने 3 डॉट पर क्लिक कर दिया, उसके बाद ये जो एरो है आप देख सकते हो ना, क्लिक करना है, देन आप लोग को रिफ्रेश हो जाएगा। फिर से प्ले नाउ पर क्लिक करना है, अभी आप देख सकते हो ईपीएफ 5 आ गया। फिर से आप लोग को 3 डॉट पर क्लिक करना, फिर से रिफ्रेश करना है, फिर से प्ले नाउ पर, इसमें इसी करके कार्ड कार्ड पर क्लिक करना है, ईपीएफ 5, 8, 10, 15 ऐसे करके शो होगा। जब भी आप लोग को योर ईपीएफ 25 आएगा तब भी आप लोगों को मोबाइल नंबर गेट ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी वगैरह फिल करके 25 को क्लेम करना है। 25 को क्लेम करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा, एंड 15 को क्लेम करोगे तो उसमें भी आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन 25 का जैसा नहीं। ठीक है, तो 15 आएगा तो भी क्लेम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपको मतलब बार बार ट्राई करने में 25 नहीं मिल रहा है तो आप 15 भी क्लेम कर सकते हो। जैसे ही गाइस मैं काफी बार ट्राई करने के बाद मेरा 25 ईपे कैशबैक मिल गया, तो आप देख सकते हो। तो इस प्रकार का बैनर आना चाहिए, जब तक ये बैनर नहीं आएगा तब तक आप ट्राई करना रिफ्रेश करके। ठीक है, आप लोग इसमें मोबाइल नंबर डालना है। जैसे ही गाइस मैं आप लोग को सामने मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ, सबमिट करने के बाद आप लोग को स्टार्ट शॉपिंग पर क्लिक करना है। अब जैसे ही स्टार्ट शॉपिंग पर क्लिक करोगे देन आप लोग को सामने फास्ट में देखने को मिल जाएगा अमेजोन पे गिफ्ट कार्ड। आपको अमेजोन पे गिफ्ट कार्ड पर क्लिक करना है, देन आप लोग को सामने इसमें गिफ्ट कार्ड भाउचर देखने को मिलेगा, मतलब आप लोग को प्राइस देखने को मिल जाएगा कि आप कितने का भाउचर परचेस कर सकते हो। इसमें देख सकते हो स्टार्टिंग जो है 500 रखा गया। मैं मतलब सुबह ट्राई किया था 100 था, 50 था, 250 भी था, अभी 500 कर दिया। तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, ठीक है। मैं आप लोग को सामने 500 परचेस करके भी मतलब ट्रिक अप्लाई करके दिखा देता हूँ। जब भी 500 से कम अमाउंट का भाउचर इसमें अवेलेबल होगा मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, आप जाके उसी भाउचर को खरीद लेना। मैं इसलिए बोला था कि आप सबसे पहले हर एक नंबर पर ट्राई करके रखो। प्रोसेस देखिए, 500 वाला शो हो रहा है, आपको 250, 100, 500 होगा, तो उसमें ऐड पर क्लिक करना। ऐड पर क्लिक करोगे तो आप लोग को इसमें दिखाई देगा कि टोटल 500 आप देख सकते हो। तो आप लोग को आई एम गिफ्टिंग पर क्लिक करना है, देन आप लोग को इसमें हैप्पी बर्थडे जो भी है आप चूज़ कर लेना। उसके बाद इसमें आप अपने नाम फिल करना, ठीक है। मैं आप लोगों को सामने मेरा नाम फिल कर देता हूँ। उसके बाद एंटर मेल, एंटर मेल में आप वही मेल आईडी फिल करिए जो मेल आईडी पे आप 500 रुपीस गिफ्ट भाउचर यानी गिफ्ट कोड जो है कि एक कोड मिलेगा, उसी कोड आप लेना चाहोगे, ठीक है। ध्यान रखना, अच्छा वाला मेल आईडी फिल करना। सारी चीज़ फिल करने के बाद आप लोग को ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर में दिखाई देगा आइटम सक्सेसफुली एडेड, देन आप लोग को स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन करते ही आप लोग को नीचे दिखाई देगा कि कार्ड वन आप देख सकते हो, तो कार्ड वन पर क्लिक करना। देन इसमें आप सारी डिटेल्स एक बार फिर से चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप लोग को चेकआउट पर क्लिक करना है। इसमें आप लोग को 25 रुपीज दिखाई देगा जो आप मतलब कार्ड को क्लेम करके अर्न किया था। 15 रुपीज अर्न किया हो तो आप लोग को इसमें 15 रुपीज दिखाई देगा, तो जस्ट आप लोग को इसमें क्लिक करना है। इसमें आप क्लिक करोगे तो आपको पेज रिडायरेक्ट करेगा, एंड इसी नंबर पर आप लोगों को ओटीपी जाएगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आप लोग को सामने इसमें दिखाई देगा कि 25 रुपीज ऑफ, एंड आपको पे करने के लिए बोलेगा 475। अब 100 रुपीज गिफ्ट भाउचर बाय करोगे तो आप लोग इसमें दिखाई देगा कि 75 रुपीज पे करना होगा, आपको 25 रुपीज ऑफ रहेगा। अब 15 रुपीज क्लेम करोगे तो 15 रुपीज ऑफ रहेगा, 85 रुपीज आपको पे करना होगा। यही था और कुछ भी नहीं। तो आप लोगों को अभी करना क्या है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप लोग के पेज रिडायरेक्ट करेगा, देन आप लोग को नेट बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड चूज करने के लिए बोलेगा। तो कार्ड थ्रू आप इसमें प्रोसीड करना चाहिए। इसमें कार्ड डिटेल्स फिल कर देता हूँ। कार्ड डिटेल्स फिल करके कंटिन्यू करने के बाद आप लोग को इस प्रकार का पेज आएगा, तो कंटिन्यू विदाउट सेविंग पर क्लिक करना। उसके बाद उसी कार्ड पर आप लोग को ओटीपी चला जाएगा, देख सकते हो मैं उस ओटीपी इसमें फिल कर दिया। ओटीपी फिल करके आप लोग को सबमिट करना होगा, तो उससे पहले आप देख लेना आपको अकाउंट से कितने रुपीज कट रहा है। 475 आप देख सकते हो और 25 रुपीज मेरा ऑफ।
ओके तो समिट पर क्लिक करना। समिट पर क्लिक करने के बाद आपको बैंक से 475 रुपीस डिटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको ट्रांजेक्शन सक्सेस हो जाएगा। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद आप लोग को इसमें कंग्रेचुलेशन बताएगा। देन आप लोग को अभी मिनिमाइज करके मेल के अंदर विजिट करना है, जो मेल आईडी आप फिल किया था। मैं आप लोग को सामने इसी मेल आईडी फिल किया था, आप लोग को सामने में विजिट किया। उसके बाद आप देख सकते हो मेरा 500 रुपीस का गिफ्ट कोड मिल गया। आप देख सकते हो कोड कॉपी करके एट ए गिफ्ट कार्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को इसमें आप अपने 500 गिफ्ट कोड नंबर पुट कर दीजिए। उसके बाद ऐड टू पे बैलेंस पर क्लिक करना, आप लोग को इंस्टेंट 500 रुपीस इसमें ऐड हो जाएगा। अब भी आप लोग को काम करना होगा कि अब भी आप लोग को कल का वीडियो फॉलो करके कोस्टा सेविंग एप्लीकेशन थ्रू अमेजन पे बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर करना है। उसी 500 रुपीस बैलेंस को आपको कोस्टा सेविंग अकाउंट थ्रू बैंक में लेने के लिए 11 रुपीस आप लोगों को पे करना है, मतलब चार्ज देना पड़ेगा। तो आपको इसमें कितना हो रहा है 489, आप मान के चलिए 490। उसके बाद आप पे किया था कितना 475, प्रॉफिट है 14 रुपीस। इसी प्रकार में आपके पास जितना भी सारी नंबर है हर एक नंबर पे आप ट्राई कर सकते हो। अभी इसमें 500 रुपीस वाला गिफ्ट वाउचर शो हो रहा है, सो इसलिए आप लोग को जो है प्रॉफिट जो है थोड़ा कम होगा। तो आप 500 रुपीस गिफ्ट वाउचर जगह पे 100-100 करके, यानी 100-100 जब भी अवेल होगा या 250 का जब भी अवेल होगा, तो आप 100 या 250 करके देखोगी तो टोटल आप 5 बार, यानी मिनिमम तो 500 कोस्टा सेविंग अकाउंट के अंदर ऐड होता है, तो आप 5 बार करोगी तो 5 नंबर थ्रू आप लोगों को 5×25 मिल रहा है 125। तो 500 रुपीस आप इधर से, मतलब 100-100 करके परचेस कर रही तो 500 रुपीस बैंक में ट्रांसफर कर रही तो 125 से आप लोगों को 11 रुपीस चार्ज भरना होगा, यानी 5 नंबर थ्रू आप लोगों को 114 रुपीस का आसपास प्रॉफिट हो रहा है। कोस्टा सेविंग अकाउंट जिन लोगों के पास नहीं है, आप अकाउंट ओपन कर सकते हो और 10 से 15 मिनट में आप अपने पैसा इंस्टेंट बैंक में क्रेडिट भी करा सकते हो। चलिए मिलते हैं फिर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हमीद जजा, तब तक गुड बाय, टेक केयर।